अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और आज हमारा थर्ड विज़िट है जी इस फार्म पे, और कोशिश की जा रही है कि जी इसको किसी ना किसी तरीके से एक फ्लो में लाया जाए। तो यहाँ जी हमारा किड सेक्शन है इस साइड पे, वो मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो में आगे जाके। बाकी अब्बा जी भी साथ हैं, वो लग रहा था जैसे कि यार जानवर उस लिहाज से ना नहीं चल पड़ेंगे, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ कमियां हैं, कुछ कोताहियां हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी तकरीबन भाई हमजा और बकर के साथ रल के अपनी एक फ़र्स्ट टाइम जो प्रॉपर फार्मिंग वाली एक सेटअप है ना, उस पर हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब्बा जी से भी पूछेंगे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है, वो भी बताएँगे, विज़िट भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बेहतरीन है सर, ये देख लें बेहतरीन है। दिन को पंखे चला दे ताकि स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। बेहतरीन हो गया सर। ओ की लटकाया सर इन्दे विच वो बोर्ड है, सही है है ना, वो बच्चों वाला जी जी। वो पहले रखा होता इधर को, अच्छा अच्छा, बच्चे रात को इधर करके हीटर लगा देते, सही है। पर जब वो यूरिन करते थे हाँ। तो बकरियां तो अमोनिया की स्मेल आती है, मैंने फिर निकलवा दिया। मैं कहा बच्चों को सांस लेने में ज्यादा मुश्किल, बच्चे फिर मुझे शुरू करने लगे। बेहतरीन है सर, पहले दो दिन हमने वो इधर ही रखा, सही है। हमजा भाई तो अगे भी आए हैं। अच्छा जी, तो ये जी हमारा जानवरों का शेड है। चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको स्टार्ट में दिखा देता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें अभी आपका भाई दे रहा है, तो माशाल्लाह क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक में हो गई ये वो। तो अबा जी से इंशाल्लाह पूछेंगे कि हम किस किस जगह पे गलती कर रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। तो जो भी होगा ये एक विज़िट भी है और कुछ सीखेंगे भी इंशाल्लाह। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बकर भाई स्टार्ट में ना अपनी लोकेशन बता दे, हमारा ये फार्म किस जगह पे है। लोकेशन सारी कानवा सिख साहब, ठीक है, अड्डा माई वाली मस्जिद साहिवाल। साहिवाल, और ये हमने एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, इस वीडियो के बाद ही जो आपका लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है ना, जी जी। वो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, वजह उसमें जो गलतियाँ थी जो अच्छाइयाँ थी वो बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी बताए हमारे पास टोटल कितने जानवर हो चुके हैं। मेरे पास 44 हो चुके हैं, और जो न्यू तकरीबन मैंने डलवाए वो कितने हैं। वो हो गए 25 से 26। 25 बड़ी बकरियां या बच्चे भी साथ। बच्चे अलग है। अच्छा 25 जानवर आ चुके हैं। हाँ, सही हो गया सर। तो बकर पे चीजें अच्छी मिल रही हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा अब्बा जी जरा उधर दसो के लास्ट टाइम थोड़ा सा चटका लग गया, लेकिन हुन कैसा काम चल रहा है। नहीं हुन माशाल्लाह जिस दिन अस अगे आए ना उदो जानवर थोड़े कमजोर सीगे जी, नवे बंदे थे, आस्ता आस्ता बजाते खोदी अभी। मेरा 15-20 दिन बाद आए, 22 दिन बाद आए। अज माल जो अगला थे ना उन्हें भी सेहत से बेहतरीन जा रहे हैं। बाकी जो बकरियां भेजियां लैके ना खरीद करके, मेरे दिन चे भी जंगल दकरियां जाके लिसिया होना जी, माशाल्लाह अगे सेहतमंद। बेहतरीन बेहतरीन, जिन्ना एक मिसाल होंगी आ दिखा देने पकड़े जरा। ये जी अभी हमारी खीरी बकर भी दौंदी तो नहीं हुई। हाँ, 2 हफ्ते हो गए ना, आप महीने डेढ़ या 2 दहाके उस बाद ही होगी। छोड़ दो माशाल्लाह जी। और ये एक ब्रीड वाली चीज है, साथ में इस किस्म की यानी कि प्रेग्नेंट गोट्स भी उठा रहे हैं। अच्छा भाई जी, किस किस्म की बकरी आप मोस्टली कोशिश करी दी है बकर भाई उन्होंने लेकर देने कोशिश करी दी है भी अभी कीमत घट वाली लईए, सही है भाई। जिदे पेड़ च 2 बच्चे होन ना खास वड्डी लईए, सही है, लखां वाली असि लैने अपने दरमियानी अपने समय दी बकरी। नुकसान भी नुकसान दा हो जावे ना ते बर्दाश्त करके बंदा लंघ जावे, नवे बंदे नूं तोड़ना वा बचाउणा वा ते गवाउणा नहीं गा। एक सब तो पहले दिन जेल आई दा भी है अल्लाह पाक दे इख्तियार आ, बिल्कुल। जिस बकरी दे पेड़ च महसूस हुंदा ना भी 2 बच्चे आ, सारी कोशिश हुंदी उहनूं लईए उहनूं लईए। बहुते मोटे लैणे, जिहड़ी बकरी थोड़ी लिसी हो जांदी बच्चिआं नूं खांदी ना उहनूं असीं घट जांदे भज के लैणे सी। सही हो गया, सही हो गया। जवान बकरी हो गए 2-4 सूबे सानू दे भी जावे, जां कोई जवान पठा छोटियां पठा दोंदी चौगी छिगी दोंदी चौगी ज्यादा लैने। सही है,
अच्छा खुराक जो भाई दे रहे ने असि बेसिकली दे रहे हैं ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਹੋਈ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਟਵਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਬੁਖਾਰ ਸਰਦੀ ਬੁਖਾਰ ਸਰਦੀ ਹੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦੇ ਜੀ ਆਪ ਲਗਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾ ਲਗਾ ਐਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪੀਪੀਐਸ ਪੀਪੀਐਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੀਪੀਐਸ ਪੀਪੀਐਸ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ अच्छा बकर भाई अभी तो माशाल्लाह ये जो दूसरी पुरानी बकरियां हमारे पास इनकी भी ग्रोथ ना काफी एक आगे मियार पे तो लास्ट की जो पुरानी फूड दे रहे थे उसमें से कौन सी चीज आपने मजीद ऐसी ऐड की है कि यार ये भी अच्छे खासी चलने लगी भाईजान वंडा बनाया हमने वंडा ऐड किया सही हो गया और वंडे का वंडे में खा ले ठीक है तेल खल सरसों खल बनोला बनोला काटन है उसके बाद चोकर है मकई का दलिया है कनक का दलिया है राइस पॉलिश है जी चने हैं चनों के छिलके हैं सही है सर तो उसके बाद तकरीबन ग्रोथ काफी फर्क पड़ा है ठीक हो गया सर हर जानवर को मैं डेली 250 से 300 ग्राम देता हूं हर जानवर को डेली सही है सर सही है ये अभी स्टार्ट एज अ यूज किया फिर बढ़ाऊंगा सही हो गया जी की कह रहे थे चंद गल्लां दा सानू कुछ पता वा वो तुहानू दसना साडा फर्ज बनदा सर्दी दे दिन ने ਐ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੂ ਖਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂ ਅੱਧ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜੂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ इन्फेक्शन होएगी ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਆ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਜਾਂ ਜੂ ਟਾਈਪ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੂ ਆਏਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਪੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਚ ਕਾਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਕਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ माशाल्लाह अभी तो रौनक लगी पड़ी है बकर भाई कोई जानवर डल ते नहीं है डाउन ते नहीं है बेहतरीन बंदा स्टार्ट करवाया जानवर शौक से खाता है और बेहतरीन ऊपर के ऊपर जा रहा है सही हो गया सर वंडा पौधा तो कितने दिन हो गए वंडा पौधा डालते हुए 5 दिन हो गए 5 दिन हो गए फर्क दिखांदा है वो बेहतरीन जानवर पट्टे बड़े ना खाना पट्टे शौक ना खा रहे अच्छा क्या सर इनना दी तुसी डेली दी जेडी खुराक दी रूटीन हो क्या है फर्स्ट टाइम साइलेज है ठीक है उसके बाद जनाब जी 12 बजे के करीब ग्रीन फोडर में तूड़ी मिक्स है सही है उसके बाद फिर इवनिंग में ग्रीन फोडर के साथ जब खत्म हो जाता है जी जी उसके ऊपर वंडा यानी उसके ऊपर वंडा बचता है उसके ऊपर वंडा और खुली चट हो जाता है सही मगर भाई ये चीज भी क्लियर कर दें कि हम जो साइलेज डाल रहे हैं और जो ग्रीन फोडर के साथ तूड़ी यूज कर रहे हैं वो मजबूरन यूज कर रहे हैं हाँ जी सही है ना क्योंकि इस टाइम हमारे पास अपना लूसन नहीं है बेसिक तो इसकी बेहतरीन खुराक लूसन है जी जी लूसन अब हमारे पास अपना नहीं है और अब काश्त करेंगे ठीक मतलब कि एज अ रिप्लेसर ये भी अच्छा चल रहा है हाँ जी बेहतरीन चल रहा है बेहतरीन चल रहा है जी ये देख लें कितने शौक से खा रही है और बॉडी स्कोर भी चेक कर लें कुछ जानवर पुराने हैं इसलिए लो होगा इनका बट जो न्यू हमारी चीजें ये ऐड हुई है जैसे ये डे बाई डे गेन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ਇਹ ਬੜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਬਣ ਉਹ ਉਹ ਲਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਬਣ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਬੱਕਰ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
सही है सर। इनका बच्चा भी ठीक है जी? नहीं था इसका बच्चा भी उधर शिफ्ट रूम में था। इसे हुआ था ढीला पर इसको उधर शिफ्ट कर दिया। सही। अच्छा बकर भाई, अंदाजन तकरीबन कितने बच्चे हैं जो बकरियां मैंने आपको दी हैं उनके साथ? उनके साथ बच्चे कितने हैं जी? तकरीबन 13 बच्चे, 10 हैं हमारे पास। चले फिर भी ठीक है, तकरीबन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अच्छा चल रहा है, शुक्र है। ये भी तैयार है माशाल्लाह जी। तो ये जी आज की वीडियो हमारी एंड करते हैं। अच्छा बस एक आखिरी चीज बस इन्हें दस दियो, ए बकरी साड़ी वीक है थोड़ी जी। हाँ जी। एक तो बच्चे वाली तीन बच्चे दिते से। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਡੀਲ ਕਰੀਏ? ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਾੜਨੇ ਨੇ ਝਾੜਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਲਿਸੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਪਾਈਏ ਦੁੱਧ ਦਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੇਵੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਵੇਚਣੀ, ਸੂਪ ਪੈਣੀ ਬਾਅਦ ਛਾਪਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨੀ। ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਨਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਨਿਕਲਾਉਣਾ। ਮੋਟੀ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। माशाल्लाह बेहतर मजा आया जी आज, सीरियसली कल वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।